तरह जैसे नैब आई है और नैब से भी बच के रहें, और जितने जो हमारे देखने वाले हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ जो है वो शिकायतें की हैं नैब को, एप्लीकेशन स्पेशल देते रहे हैं, तो उनको भी रिक्वेस्ट मुबारक हो यार। अब हम लोग रेडी पे ये रेडी लगाई हुई है, तो अब आप लोग खुश हो आप लोग, हमें रेडी पे पानी के प्याले पे ला के खुश रहो यार। और जो हमें हमसे मांग रहे हैं कि हमें 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, उनको भी पता चल जाए यार, या हम लोग यहाँ पर रेडी लगा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन आज फिर से मेरे साथ मौजूद हैं नासर अरफात नासर और उनकी बेगम नाइला नासर। नाज़रीन आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों इन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था वायरल कपल के नाम से, लेकिन आज मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने देखा कि इन्होंने फ्रूट वाली रेडी लगाई हुई है और उनकी बेगम ने मास्क वाली रेडी लगाई हुई है। आइए नाज़रीन से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि इन्हें ये फ्रूट वाली रेडी लगाने पर मजबूर हो गए और ये कितने में सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं नासर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आखिर क्या वजह बनी कि आज आप फ्रूट वाली रेडी लगाने पर मजबूर हो गए हैं। देखे भाई, वजह तो बड़ी बहुत ज़्यादा वजह है, तो लोगों ने कहा कि आपने इतना ज़्यादा खर्चा किया है, ये किया वो किया, FBR पड़ी है हमारे ऊपर और वो हमारे जितने भी असासे हैं उन्होंने मुंजमद कर दिए हैं। हम लोगों ने कोई ब्लैक का काम तो नहीं किया था, हमने सारी अपनी मेहनत के कमाए थे और सारी चीज़ें जो है वो नैब आई है और उन्होंने हड़प कर दी है, और पता नहीं कौन बंदे थे, पता नहीं उन्होंने ऐसे ऐसे कंप्लेनें की हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने पता नहीं डाका डाला है कि आप देखें यार हमारा YouTube चैनल है, एक क्या नाम है वो छोटे छोटे बस चैनल हैं, वहाँ से हमें अर्निंग आती थी, चैनल भी उन्होंने उड़ा दिए, चैनल भी डीमोनेटाइज हो गए यार, पानी के प्याले पर आ गए हम लोग, बस ये फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। अब पहले भी हम लोग दोनों मिलके काम करते थे, दोनों ने मिलके ही ये सारा काम किया था, मेहनत की थी, और अब जो है दोबारा हम लोग फ्रूट की रेडी लगा के बैठे हुए आप लोगों के सामने। वो तो आप लोग गुजर रहे थे यहाँ से, तो आप लोग इंटरव्यू लेने आप लोगों ने पहचान लिया, नहीं तो यहाँ पे कौन पहचानता है एक दूसरे को। तो ये आप कब से काम कर रहे हैं? ये हमें तकरीबन हो गए 15-20 दिन हो गए हैं, जब से नैब आई है ना तब से हम लोगों ने ये शुरू किया, क्योंकि अब तो क्योंकि मैं यकीन जाने के 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। अब तो ये हम लोगों ने ये सेल करके लेके जाने हैं तो फिर एक बच्चों का गुजर बसर होना है, और ये जैसे बाबा जी हैं इसी तरह कोई यहाँ पे गुजर जाते हैं, वो ले जाते हैं फ्रूट घर से घर बच्चों के लिए, तो हमारा भी गुजर बसर चल रहा है, रोजी रोटी चलती रहती है। तो ये आपने कितने रुपए दर्जन लगाए हुए हैं? ये देखे 180 रुपए लगाए हुए हैं। अच्छा। और ये इतने खूबसूरत हैं यकीन जाने, ये तो पठान की जो गाल है ना उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, और मीठे इतने हैं यकीन जाने कि अगर चीनी की जगह पे ये चाय में डाले जाए ना तो इनका मीठा ज़्यादा हो। अच्छा। लेकिन लोग फिर भी नहीं लेते, ऐसा ही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम शहद के इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ अच्छा, शहद के इंजेक्शन लगाते हैं। और ये केले कितने रुपए दर्जन आप सेल कर रहे हैं? केले यकीन जाने ये बीमार हुए पड़े हैं, ये हमारे गम की वजह से ये बीमार है, लेकिन हम हॉस्पिटल लेके जाना है, वापस रखते हैं। क्या कहा आपने? इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, इन्हें वापस रखते हैं। चलो ठीक है। अच्छा भाभी आप बताइए आप क्या सेल कर रहे हैं? मैं मास्क सेल कर रही हूँ, और यकीन करें कोरोना की 5वीं लहर इतनी तेज है लेकिन लोग मास्क लगा ही नहीं रहे, ना ही वो लेते हैं, वो कहते हैं झूठ है कोरोना। मैंने कहा ठीक है, खैर मास्क तो बेचे हैं मैंने लेकिन उस लिहाज से नहीं बिके, सिर्फ 40 रुपए के इनके मास्क बिके हैं। अब देखें इतनी ज्यादा महंगाई है और ये 40 रुपए की दाल भी नहीं। हाँ 40 रुपए के यकीन जाने दाल, क्या दाल तो सुंघाते भी नहीं है जितनी महंगाई है, तो बंदा गरीब क्या करे। अब जैसे लोग हमें देखते थे उस लिहाज से तो लोगों के सामने हम लोग, अब देखें नैब यकीन जाने हमें पड़ी है और हम पानी के प्याले पे हम 20 दिन हो गए हैं, हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, और इतने ज़्यादा लोग हमें कॉल करके उधार मांगते हैं। अच्छा। कि आप तो इतने ज़्यादा खाते पीते हैं ये वो, तब से अब तक अभी तक अभी तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन हर बंदा कॉल करता है यार हमें 1 लाख दे दें, 2 लाख दे दें, 3 लाख दे दें, उनको क्या पता हम लोग खुद फ्रूट की रेडी से फ्रूट की रेडी पे आ गए हैं, चैनल डीमोनेटाइजेशन हो गया। अच्छा सर आप कस्टमर को कैसे डील कर रहे हैं? अभी ये भाई आए हैं हमारे। अच्छा। पास ये गाड़ी इन्होंने रोकी है, तो जी भाई कौन से लेने आप?
ये वाले। अच्छा ये 180 रुपए दे रहे हैं, ये 150 है और ये 140 रुपए। जो आदमी गाड़ी से उतरता ना, ये लोग ऐसे ही करते हैं, उनको रेट ज्यादा बताते हैं। नहीं भाई ये देखे, वैसे मंडी में रेट कम है, इधर ज्यादा लगा रहे हैं। देखे मंडी से हम इतनी दूर से ला के इधर ला के रखा हुआ है, सारी बात है हमारा पेट्रोल भी तो खर्च है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी पेट्रोल खर्च करके इधर आए हैं। आप लोग तो इधर उखाड़ा जा रहे हैं रस्ते में, आप लोग नहीं, मैं पत्तू की गाय हूँ। आप देखे कि आप असल में ना चीज देखा करें, आप लोग रेट ना देखा करें। आपकी माशाल्लाह खूबसूरत है, जैसे ये माल्टा ना इसी तरह आपकी लाल लाल सी जो है ना ये चेहरा है, इसी तरह देखिए आपकी गोल्डन जैसा देखिए, आप बिल्कुल सेम आप घर लेके जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, खुश हो जाएंगे, इतने मीठे हैं। किधर जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। घर किधर है? डोलनचक तो लेके जाए ना, उन्हें पता चलेगा कि आप पत्तों की सही नस्ल के लेके आए। अच्छा मुझे ये बताएं, दिख रहे हैं ऊपर से, दिख रहे हैं मुझे। ये बताएं दो दर्जने लेनी है तीन दर्जने? दो दर्जने लेनी है। दो दर्जने? जी। अच्छा दो दर्जने लेनी है। अच्छा ये पढ़ा गया माशाल्लाह जी, अब दो दर्जने लेनी है अब इन्होंने तो, यकीन जाने बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा एक 180 रुपए है, ठीक है चले। दो चौबीस ये भी ले जाए यार, थोड़े से रह गए। नहीं बस इतने ही काफी हैं। इतने काफी हैं। ये पूरे हो गए, दो दर्जने ले गए भाई और यकीन जाने बड़ी खुशी हो रही है, और बाकी रह गए मेरे ख्याल से। भाई ये भी ले जाता तो अच्छा था हमारे, हम भी जल्दी जल्दी घर चले जाते, सूरज जो है ना गुरूब होने वाला है। ये भाई पकड़े जरा, पकड़े यार 180 को दो से मल्टीप्लाई करो यार, सिर्फ दो कितने पैसे हो गए? 360 बन गए। लो भाई 360 रुपए दे दो। ये आप कितने का मास्क सेल कर रहे हैं? मैं सबसे सस्ता मास्क दे रही हूँ 10 रुपए का, यही आप किसी और शॉप पे जाएंगे तो आपको 15 रुपए का मिलेगा, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा। आपके पास और जो मास्कों की वैरायटी है वो भी ला के दिखाएं जरा, वो भी दिखाएं मुझे, मेरे नाज़रीन को दिखाएं। हाँ देखिए प्रोफेशनल यहाँ पे सारी चीजें रखी हुई है तो, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो लोग लेते ही नहीं है। ये देखिए मेरी रेडी है। अच्छा ये वो आपकी रेडी है और ये नासर भाई की है? हाँ ये देखिए बढ़िया जी जी, ये दिखाए जी। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आपने कि इन्होंने प्रोफेशनल किस्म के मास्क भी रखे हुए हैं, कलर्स भी उसमें रखे, कलर्स भी रखे हुए हैं, जिसने जो सा कलर लेना वो ले सकता है। ब्लैक कलर ज्यादा इन मार्केट में ब्लैक भी अवेलेबल है। मैं तो यही, क्योंकि मैं मास्क बेच रही हूँ, मेरा तो यही है कि मास्क पहने, फासला रखें ताकि मास्क भी बिक जाए मेरे और आप लोग बीमार भी ना हो। जी जी बहुत शुक्रिया नासिर भाई। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग जस्ट ये समझ लेते हैं कि हमें यूट्यूब से फेसबुक से अर्निंग होगी, क्या उन्हें लाइफ टाइम के लिए ये इनकम सोर्स बना लेना चाहिए या उन्हें कोई और काम भी करना चाहिए? जैसे कि देखें आपने माशाल्लाह यूट्यूब से फेसबुक से अर्निंग की, काफ़ी अर्निंग की, और पिछले दिनों में आप वायरल भी हुए सोशल मीडिया पे, आप वायरल कपल के नाम से भी जाने जाते हैं, और आज आपका चैनल डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया, इस वाले से क्या मेरे नाज़रीन को मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जितने भी मेरे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको यही पैगाम है कि कभी भी अपनी जो ज़िंदगी का एक टारगेट जो है ना, वे फ्यूचर जो है वो यूट्यूब को ना रखें, अपने जो है और अदर सोर्स ऑफ इनकम वो भी रखें, और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल किया करें और चीज़ें जो हैं रखें। जब आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब को ही अपना फ्यूचर रख लेते हैं वो कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है, आप लोग जो है वो ऊपर से यहाँ पर नीचे गिर सकते हैं, तो लिहाजा आप लोग अपना जो है वो अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लाजमी रखें, जैसे हमारे साथ हुआ है इसी तरह आप लोगों के साथ ना हो, और इसी तरह जैसे नैब आई है और नैब से भी बच के रहें, और जितने जो हमारे देखने वाले हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ़ जो है वो शिकायतें की हैं नैब को, एप्लीकेशन स्पेशल देते रहे हैं, तो उनको भी रिक्वेस्ट मुबारक हो यार, अब हम लोग रेडी पे ये रेडी लगाई हुई है, तो अब आप लोग खुश हो आप लोग, हमें रेडी पे पानी के प्याले पे ला के खुश रहो यार, और जो हमें हमसे मांग रहे हैं कि हमें 1 लाख दे दो 2 लाख दे दो, उनको भी पता चल जाए यार या हम लोग यहाँ पर रेडी लगा के बैठे हुए हैं।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे तहलका मचा देने वाला कपल आज फ्रूट वाली रेडी लगाने पर मजबूर हो गया। और जब मैंने इनसे वजह जानी तो इन्होंने बताया कि इन्हें नैब पड़ गई है। नैब ने बहुत से लोगों ने इनकी शिकायत दर्ज करवाई कि इनके पास पता नहीं पैसे कहां से आ गए, ये डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, पता नहीं कहां से ये पैसे लेके आते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।